अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 फ्रॉगी, प्राउड फ्रॉगी देखा. ठीक है, एक फ्रॉगी, एक फ्रॉग जो बहुत प्राउड मतलब घमंड में था. यस, उसने क्या करा, उसने कोशिश करी हवा भर भर के अपने को अपने एनिमीज के बराबर, मतलब जो गाँव थी उसकी एनिमीज थी उनके बराबर फुलाने की कोशिश करी, और उसने इतनी हवा भर ली कि वो फट जाता है. यस, तो इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिला था कि हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हवा भरने से किसी भी चीज़ में ताकत नहीं आती है. ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो आप उस बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पेज नंबर 57 ओपन करेंगे अपनी बुक का. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. वॉट आर देयर नियर द जंगल, जंगल के पास में क्या था. पैलेस मतलब महल, रिवर मतलब नदी, और पौंड मतलब तालाब. तो क्या था जंगल के पास में, पौंड था, तो हमने पौंड पर टिक कर दिया. नेक्स्ट है वाई डिड द टू काउस कम नियर टू द फ्रॉक्स, कि वो दोनों काउस फ्रॉक के पास में क्यों आई थी. टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आई थी. टू वेड थ्रू वाटर, टू स्केयर द फ्रॉग, वो किस लिए आई थी, वो पानी पीने के लिए आई थी, तो टू ड्रिंक वाटर. प्राउड फ्रॉगी वॉज डैश, जो प्राउड फ्रॉगी था वो कौन था, लीडर था पूरे पैक का, मतलब पूरे फ्रॉग फील्ड का. ट्रैम्पल्ड बाय काउ, क्या काउ के थ्रू कुचला गया था, या फिर बिग ब्रदर ऑफ अ फ्रॉग, एक फ्रॉग का बड़ा भाई था, तो प्राउड फ्रॉगी कौन था, बिग ब्रदर ऑफ अ फ्रॉग. यस, नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. अब हमको यहाँ पर ट्रू फॉल्स करना है. देयर वॉज अ लार्ज पॉन्ड नियर अ जंगल, नहीं लार्ज नहीं था, स्मॉल पॉन्ड था, तो ये फॉल्स हो जाएगा. टू फ्रॉग्स गॉट ट्रैम्बल्ड बाय टू काउस, क्या दो फ्रॉग ट्रैम्बल्ड हुए थे, नहीं एक फ्रॉग ट्रैम्बल्ड हुआ था और एक तो उसके पास से निकल गया था, तो ये भी फॉल्स है. All the frogs tried shooing away the cows. क्या सभी frogs ने उनको भगाने की कोशिश करी थी cow को? Yes, तो ये true है. A trembling frog ran to his younger brother. क्या जो trembling frog था, जो चिब्बा हो गया था, वो अपने younger brother के पास दौड़ के गया था? नहीं, दूसरा एक frog था, वो अपने बड़े वाले भाई के पास गया था. All the frogs were quite sad at the end due to proud froggy's death. क्या सारे के सारे frogs बहुत चुप और दुखी हुए थे एंड में, जब proud froggy की डेथ हुई थी. यस, ये बात सही है, तो हमने टी लिख दिया. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 58. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, इस पर क्रॉस करेंगे. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बोला है नीम्स ऑफ होम, इन एनिमल्स के नीम लिखने हैं, ये जहाँ रहते हैं. देखिए लॉयन कहाँ रहता है, गुफा में, जिसे क्या बोलते हैं, डैन. हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं. ठीक है, कॉक कहाँ रहते हैं, कॉकरेल्स में रहते हैं. और जो बी रहती है वो कहाँ रहता है, बीहिव्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते में रहती है. बीहिव्स को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, तो बी कहाँ रहती है, बीहिव्स में रहती है. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 59. लुक एट हियर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला है हमको, कुछ दो सेंटेंस दिए हैं, टू थ्री सेंटेंस दिए हैं. बोला है कि आपको कैपिटल लेटर पुट करना है एप्रोप्रिएट जगह पर, और आपको जो करेक्शन लगता है वो आपको करना है, और फिर पूरा नया सेंटेंस लिखना है. अब देखिए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है बेटा, कैपिटल. तो सबसे पहले हमने तीनों पर कैपिटल लिख दिया. यस, अब देखो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का भी फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, तो हमने सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल करा. सिटी का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है, और यूनिवर्सिटी का भी यू कैपिटल रहता है. स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का भी कैपिटल रहता है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पर हमने सभी जगह पर कैपिटल पुट कर दिया. सेकेंड पे तो हमने लिख ही दिया है. अब थर्ड में देखिए, स्टार्टिंग है इसलिए कैपिटल, अर्थ है इसलिए ई कैपिटल, सन है ई कैपिटल, जो पूरे वर्ल्ड में एक एक है उस पर भी हम कैपिटल. तो देखिए ई कैपिटल, सन का एस कैपिटल, मून का एम कैपिटल, एस का स्टार कैपिटल, और गॉड का जी कैपिटल.
तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बच्चों, ऐसे जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मैंने आपको बताया था। अर्थ, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं पर अर्थ एक प्रॉपर नेम है, एक प्रॉपर प्लैनेट का नेम है, तो इसलिए हमने कैपिटल करा। सन, सन भी एक प्रॉपर नेम है इसलिए हमने सन को करा। मून, मून भी एक प्रॉपर है तो हमने एम को कैपिटल करा। स्टार्स, स्टार्स भी प्रॉपर नेम नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है इसलिए हमने स्टार का एस भी कैपिटल करा। ओ गॉड, गॉड का हम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन प्लस बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर बच्चों कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।